मैं डॉक्टर सीमा सोरल वरिष्ठ व्याख्याता अर्थशास्त्र जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा आज आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि हिंदी में सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है उसके बारे में व्याख्यान देने जा रही हूँ इस नियम को सबसे पहले जिस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया उसे हम गोसेन के नाम से जानते हैं एच एच गोसेन उनका पूरा नाम था उन्होंने प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता हासमान नियम का दिया था और उसी पर आधारित जो दूसरा नियम उन्होंने प्रस्तुत किया उसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी उपयोगिता में सम सीमांत उपयोगिता नियम सीमांत उपयोगिता हासमान नियम पर ही आधारित है और हम ये जानते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो कि सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है यह सब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण ये कहता है कि हम उपयोगिता को अंकों में माप सकते हैं और इसी के आधार पर एच एच गोसेन ने यह बताया कि व्यक्ति जिसके पास साधन सीमित होते हैं और एक व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वो अपने व्यय को इस प्रकार से संयोजित करता है एक ही वस्तु विशेष का प्रयोग करने से उसे संतुष्टि कतई नहीं मिलती और इसलिए मानव स्वभाव है कि वो विविध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है इसीलिए एच एच गोसेनी कहते हैं कि अपनी गिविंग इनकम हम ये जानते हैं कि हमारे पास साधन सीमित होते हैं और हमारे पास आवश्यकताएं हमें बहुत सारी होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं हर आवश्यकता को हम अपने सीमित साधनों में पूरा नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी दी हुई आय अपने दिए हुए साधनों को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार तो आवंटित कर सकते हैं कि हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया अंतिम खर्च कर रही हूं हर वस्तु पर अंतिम रुपया खर्च करने से जो मुझे सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो समस्त वस्तुओं के संदर्भ में समान हो जाए सम्त उपयोगिता नियम के कई मान्यताएं हैं जैसे कि ये माना जाता है उपभोक्ता विवेकपूर्ण है वो अपनी अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को रखकर चलता है उसके पास साधन सीमित हैं, वो उसकी मौद्रिक आय या जो भी उसके पास साधन है उनको वो उन्हें ही खर्च कर सकता है अपनी आय को बढ़ा नहीं सकता उपयोगिता को हम मापनीय मानते हैं हम ये मानते हैं कि एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से कतई प्रभावित नहीं होती यानी अगर मैं चपाती खा रही हूँ तो उसमें मुझे जो मिठाई का जो टुकड़ा परोसा गया है उससे मेरी चपाती की उपयोगिता कतई प्रभावित नहीं होती है तो इस प्रकार कुछ मान्यताएं हैं जो हमारे उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में है अब हम इसको एक सारणी के माध्यम से इसकी व्याख्या करना चाहेंगे जिसमें यह सारणी दी हुई है ए वस्तु और बी वस्तु और उसमें जो मुद्रा की इकाइयां हैं पहली इकाई से मुझे ए में जितनी उपयोगिता मिल रही है दूसरी इकाई से ऐसे ही बी में मुझे पहला रुपया खर्च करने से जो उपयोगिता मिल रही है और आप ये देख रहे हैं कि ये घटते हुए क्रम में है हर बार हर अगला रुपया जो मैं किसी भी वस्तु चाहे वो ए हो चाहे बी हो पर जो मैं खर्च कर रही हूं या रहा हूं उससे मुझे घटते हुए क्रम में उपयोगिता मिल रही है तो मैं अपने पास की मुद्रा को इस प्रकार से खर्च करूंगी माना अगर मेरे पास छह रुपए है तो मैं इस प्रकार से खर्च करूंगी कि मेरी हर जो अंतिम वस्तु है अंतिम रुपया जो मैं ए पर खर्च कर रही हूं और अंतिम रुपया बी पर जो खर्च कर रही हूं उनसे मिलने वाली उपयोगिताएं समान हो जाए ये पहला कंस्टेंट और दूसरा कंस्ट्रेंट मैं ए की जितनी इकाई खरीद रही हूं और ए पर जितने रुपए मैं खर्च कर रही हूं बी की जितनी इकाई खरीद रही हूं और बी पर जितने रुपए खर्च कर रही हूं इनका योग मेरे पास दिए हुए साधनों के यानी मेरी आय से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये दोनों इस नियम की एक दो सीमाएं हैं जिनको ध्यान रखकर ही हम अधिकतम संतुष्टि का नियम लागू करके और हम ये जानते हैं कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है हम ये मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है इसे हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं इसे हम आवंटन का नियम भी कहते हैं और ये जो नियम है वो ये माना जाता है ये कहा है अर्थशास्त्रियों ने कि ये अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है यानी उन्होंने इसको अर्थशास्त्र के सभी नियमों पर लागू किया है चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो चाहे वो वितरण का क्षेत्र हो चाहे वो उपभोग का क्षेत्र हो या अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत हो इस नियम से परे नहीं जा सकता अगर हम उस संयोजन से विचलित होते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि हम ए वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च कर रहे हैं और बी वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च कर रहे हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिताएं आपस में समान होनी चाहिए ये ए और बी के अलावा बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। हम ये मानते हैं कि ए बी सी डी बहुत सारी वस्तुएं तो उन सब पर हम जो अंतिम रुपया खर्च करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि अंतिम रुपये से मिलने वाली ए बी सी डी ई जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिताएं समान हो जाए और इसके साथ ही हमारी आय उतनी ही हो जितनी हम विभिन्न वस्तुओं पर जो रुपये खर्च कर रहे हैं उनका योग और हमारी आय का मिलान भी होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम को लागू करने के लिए हमने वस्तुएं इतनी खरीद ली कि हमारी आय उसको खरीद ही नहीं पा रही है तो इस प्रकार अगर हम उस सिद्धांत से विचलित होते हैं तो हम उपयोगिता नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और उपयोगिता और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं ये ए वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का कर्व हमने दिखाया नीचे की ओर ढालू है जो बता रहे हैं कि हर अगली इकाई पहली इकाई की तुलना में कम सीमांत उपयोगिता देती है और एक लाइन है जो ये बता रही है कि हम ए वस्तु की तीन और बी वस्तु की और दो इकाइया वाई की खरीद बी वस्तु की खरीदेंगे और इस प्रकार से हम दोनों वस्तुओं के संदर्भ में हमारी सीमांत उपयोगिता छह हो जाएगी जो कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगी आगे चलकर इसमें और सुधार किया गया जैसे कि हम वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी या भारी सीमांत उपयोगिता कहते हैं जिसमें हम ये प्रयास करते पहले हमने देखा कि हमने मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर करी इसमें और आगे जब सुधार किया गया तो इसमें प्राइस को भी जोड़ा गया है। और फिर इसमें जो सुधार है जो आधुनिक सिद्धांत है वो ये कहता है हम इस प्रकार से प्रयास करें कि एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत तो उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत तो उपयोगिता और उसके कीमत के अनुपात के बराबर हो हम ये देख रहे हैं कि हम एक वस्तु को ओ क्यू वन मात्रा खरीदेंगे दूसरी वस्तु की क्यू टू मात्रा खरीदेंगे तब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली भारत सीमांत तो है। हमारी बराबर हो रही जो कि एम है M दोनों वस्तुओं से मिलने वाली भारित सीमांत उपयोगिताओं का द्योतक है जो कि कि बताता है कि हम इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं कि दोनों वस्तुओं का, वस्तु का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर है ऐसा सिर्फ दो ही वस्तुओं के संदर्भ में नहीं बल्कि और भी बहुत सारी वस्तुओं के संदर्भ में हो सकता है ये आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या है जिसमें हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी शामिल करते हैं इसमें हमने यह माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा मुद्रा खर्च करने पर कम नहीं होती है लेकिन हम प्रयास करते हैं कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात या जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर है ये जो विश्लेषण है इसके संदर्भ में चैपमैन ने यह कहा है कि हम इस सिद्धांत को ऐसा नहीं मान सकते कि जैसे पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आने को विवश है हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता ऐसा करने को विवश नहीं है और ये सिद्धांत लागू हो ऐसा होना कोई साइंटिफिकली नहीं है लेकिन हम ये मानते हैं क्योंकि उपभोक्ता बुद्धिमान है उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, विवेक है। इसलिए वो सामान्यतः ऐसा ही करता है और इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता जो नियम है वो के हर नियम में समाया हुआ है, हालांकि इस नियम की कई बाधाएं भी हैं, जैसे कि हमने माना कि उपयोगिता को माप नहीं सकते ये एक व्यावहारिक बाधा है हम उपयोगिता एक वस्तु का जो उपभोग है दूसरी वस्तु के उपभोग से किसी प्रकार से भी संबंधित नहीं है ऐसा मानना व्यावहारिक नहीं है इस विश्लेषण की एक बाधा ये और है कि इसके माध्यम से हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग नहीं कर सकते हम इसमें जो दिखावटी और जो एडवर्टाइजमेंट्स या विज्ञापनों के माध्यम से जो उपभोक्ता प्रभावित होता है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी व्यवहारिकता पर हम संदेह नहीं कर सकते आगे आने वाले जितने भी सिद्धांत हैं वो इसी को आधार बनाकर चले और अर्थशास्त्र का एक ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो उनकी जो आ, जो इम्पॉर्टेंस है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अनलिमिटेड वॉन्ड्स यानी असीमित जब हमारी आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन है उसमें हम किस प्रकार से उपभोक्ता को विवेकपूर्ण व्यवहार करके अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करें इसमें ये सिद्धांत हमें मदद करता है ये सिद्धांत वितरण विनिमय उत्पादन हर फील्ड में ये सिद्धांत काम आता है और आगे चलकर इस सिद्धांत के आधार पर ही सुधार करते हुए और आगे के सिद्धांत लागू किए गए